कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी असफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत ही विशाल जहाज बनाया। अब उस जहाज को बनाने में बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा लगा हुआ था, बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हुए थे। अब जैसे ही उस जहाज को चालू करने की बारी आई, हुआ यूं कि वो जहाज चालू ही नहीं हुआ। जब उस मालिक को ये बताया गया कि इतना बड़ा जहाज बना तो लिया है, लेकिन वो जहाज चालू नहीं हो रहा है, जहाज के मालिक ने कहा कि इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है, आप हमारे स्टेट के जो भी सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं उनको न्योता दीजिए और उन्हें दिखाइए और उनसे हमारे जहाज को सुधरवा लीजिए। उनके मैनेजर ने ऐसा ही किया। जितने भी सबसे अच्छे इंजीनियर थे उनको इन्वाइट किया। उन्होंने जहाज को बड़ी बारीकी से देखा, गौर किया, बहुत सारा समय गुजारा, लेकिन उस समय को गुजारने के बाद भी वो जहाज को सुधार नहीं पाए। अब मैनेजर थोड़ा परेशान हो गया और अपने मालिक के पास गया और उसे कहा कि अभी भी जहाज सुधर नहीं रहा, हमने स्टेट के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को बुलवाया लेकिन उसके बाद भी जहाज सुधरा नहीं। उसने कहा, चलो अभी भी कोई चिंता की बात नहीं, आप हमारे देश के जो सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं उनको बुलाइए, उनको दिखाइए, हो सकता है कि वो इसे ठीक कर दे, क्योंकि नया जहाज है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने ऐसा ही किया, देश के जितने भी सबसे बड़े इंजीनियर थे उनको बुलवाया और बहुत सारा समय स्पेंड किया। अब लगभग साल भर गुजर गया। साल भर गुजर जाने के बाद भी जितने भी देश भर के इंजीनियर्स आए थे वो भी उस जहाज की जो प्रॉब्लम थी उसे ढूंढ नहीं पाए, उस जहाज को सुधार नहीं पाए। अब वापस से मैनेजर अपने मालिक के पास गया तो मालिक ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, आप विदेशों से बहुत अच्छे अच्छे और महंगे इंजीनियर्स बुलवाइए और उस जहाज को दिखवाइए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये जहाज ठीक नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा ही हुआ। अब बहुत सारे इंजीनियर्स को विदेशों से बुलवाया गया और जहाज को दिखवाया गया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये जहाज ठीक नहीं हो पा रहा है। उन्होंने भी लगभग 6 महीने का समय बिताया और बिताने के बाद कंक्लूजन यही निकला कि वो भी उस जहाज को सुधार नहीं पाए। अब सब परेशान हो गए कि ये जहाज सुधर क्यों नहीं पा रहा है। अब मैनेजर अपने मालिक के पास गया और मालिक भी बहुत ही चिंतित हो गया कि मैंने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया, इतने सारे लोग बर्बाद कर दिए, पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन इतना सारा समय लगने के बाद भी ये जहाज सुधर नहीं पाया, तो अभी क्या करना चाहिए। तो मालिक ने फैसला लिया कि इस जहाज को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैनेजर ने कहा कि ठीक बात है, लेकिन हमने इतना सारा समय लगाया है, पैसा लगाया है, इतने सारे व्यक्ति लगाए हैं, ये सब बर्बाद चला जाएगा। मेरी आपको एक सलाह है कि हमारे शहर में एक छोटी पनडुब्बी सुधारने वाला व्यक्ति है जो शहर में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन क्या हम इस मामले में उसकी मदद ले सकते हैं? मालिक ने कहा कि इतने बड़े बड़े देश विदेश से इतने सारे इंजीनियर्स बुलवाए, लेकिन वो इंजीनियर्स इस जहाज को ठीक नहीं कर पाए, तो क्या ये पनडुब्बी वाला छोटा सा मैकेनिक हमारे इतने बड़े जहाज को ठीक कर पाएगा? आप रहने दीजिए। लेकिन मैनेजर ने कहा कि नहीं मालिक, हम इतना सारा पैसा और समय बर्बाद कर चुके हैं, तो क्यों ना उस व्यक्ति को भी एक बार मौका दिया जाए। अब ऐसा ही किया गया। वो मैनेजर उस छोटे से पनडुब्बी सुधारने वाले मैकेनिक के पास गया। उसने कहा कि मैकेनिक साहब, हमें अपना जहाज आपसे सुधरवाना है और इसके लिए आपको हमारे जहाज पर चलना है। मैकेनिक ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहने लगा कि साहब, मैं एक छोटा सा मैकेनिक हूँ, छोटी छोटी सी नाव और पनडुब्बियां सुधारता हूँ, मैंने तो इतना बड़ा जहाज अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं है, तो फिर मैं आपके जहाज को कैसे सुधार पाऊंगा? उस मैनेजर ने कहा कि मुझे पता है कि आपने ऐसा काम कभी नहीं किया, लेकिन शहर में आपका बहुत नाम है, जो भी लोगों की पनडुब्बियां खराब होती है वो सभी आपके पास ही उसे लेकर आते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप कुछ तो हमारी मदद कर ही सकते हैं, और चाहे ना सुधरे लेकिन आप एक बार चलकर देख तो लीजिए। मैकेनिक उस मैनेजर की बात मान गया और जहाज पर चलने के लिए तैयार हो गया। जब वो जहाज पर गया तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना बड़ा जहाज कभी भी नहीं देखा था। सबसे पहले वो मैकेनिक उस जहाज पर चढ़ा और उसने 2-3 घंटे लगाकर जहाज का एक एक पार्ट घुमा, एक एक जगह पर घुमा, एक एक मशीन को देखा। अब मालिक और मैनेजर दोनों वहीं पर खड़े हुए थे, वो दोनों देख रहे थे कि ये छोटा सा मैकेनिक कितना आश्चर्यचकित हो रहा है इतने बड़े जहाज को देखकर। वो मुस्कुरा भी रहे थे और सोच में भी पड़े हुए थे कि इतना छोटा सा मैकेनिक क्या कर लेगा। लगभग 5-6 घंटे तक वो मैकेनिक उस जहाज पर घूमता रहा। अब उसके बाद एक समय ऐसा आया कि वो एक जगह पर जाकर रुक गया और बार बार वहां पर देखने लगा, बार बार सोचने लगा, समझने लगा और वहीं पर खड़ा रहा। अब बाकी सारे लोग उसे बड़े ध्यान से देखने लगे कि मैकेनिक एक ही जगह पर खड़ा क्यों हो गया और यहाँ पर खड़ा होकर क्या सोच रहा है।
वो मैकेनिक थोड़ी देर वहाँ पर खड़ा रहा और सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने झोले से एक हथौड़ी निकाली और उस हथौड़ी से एक जगह पर 3 बार जोर जोर से हथौड़ी से मारा। और उसके बाद वो उस मैनेजर के पास गया और मैनेजर से कहा कि अब इस जहाज को चालू करके देख लीजिए। मैनेजर का दिमाग खराब हो गया, मालिक का भी दिमाग खराब हो गया कि इसने तो सिर्फ 3 हथौड़ी मारी और कुछ नहीं किया और कह रहा है कि अब जहाज को चालू करके देख लीजिए। मैनेजर ने ऐसा ही किया। मैनेजर जब जहाज चालू करने गया तो वाकई में जहाज चालू हो गया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, परेशान हो गए, दिमाग लगाने लगे कि इसने ऐसा क्या किया कि इतने कम समय में इस जहाज को चालू कर दिया। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही उत्साहित हो गए। मिठाइयां बंटने लगी क्योंकि इतने समय के बाद उनका जहाज सक्सेसफुली चालू हो गया था। अब लोगों ने पूछा कि आपने किया क्या, ये जहाज इतनी जल्दी चालू कैसे हो गया और आपने तो सिर्फ 3 हथौड़ी ही मारी और जहाज चालू हो गया। तो उस मैकेनिक ने बताया कि आपका जहाज पूरी तरीके से ठीक था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि एक फैन था, एक छोटी सी पंखी थी जो जहाज को चालू करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती थी। वो पंखी कहीं पर अटक रही थी और उसी वजह से आपका जहाज चालू नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 हथौड़ी मारी और वो पंखी फ्री हो गई और जिसकी वजह से आपका जहाज चालू हो गया। अब सभी लोग खुश हो गए और वो मैकेनिक अपनी दुकान पर वापस चला गया। मालिक ने उस मैनेजर को कहा कि अरे जाइए उस नाव वाले से, उसकी तनख्वाह, उसकी फीस जो भी होगी वो पूछ के तो आइए कि उसका कितना पैसा बना। जब मैनेजर उसके पास आया तो उस मैकेनिक ने उसके हाथ में एक बिल दिया। बिल देखकर मैनेजर मुस्कुराया और अपने मालिक के पास ले जाकर उस बिल को रख दिया। जब मालिक ने उस बिल को देखा तो मालिक का दिमाग खराब हो गया। उसने मैनेजर से कहा, ये भी कोई बिल है? इतना बड़ा बिल किस चीज का? उसने तो सिर्फ 3 हथौड़ी मारी है और 1,00,000 रुपए का बिल बना दिया। मालिक ने मैनेजर से कहा कि हम उसे बिल्कुल 1,00,000 रुपए देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उसे देना ही है, लेकिन आप उसके पास जाइए और उससे लिखवा कर लाइए कि ये बिल किस चीज का है, उसने ऐसा क्या किया कि उसने 1,00,000 रुपए का बिल हमें बनाकर दिया है। वो मैनेजर उस नाव वाले के पास पहुंचा और नाव वाले के पास जाकर कहा कि हमारे मालिक ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 1,00,000 रुपए का बिल दिया है ये किस चीज का दिया है, आपने ऐसी क्या चीज की है, उसका ब्यौरा हमें इस बिल में चाहिए। उस नाव वाले ने एक और बिल बनाया और इस बिल को देखकर तो मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट ही आ गई। वो मैनेजर उस बिल को लेकर अपने मालिक के पास गया और कहा कि इस बिल में ब्यौरा लिख दिया गया है, आप इसे पढ़िए। अब मालिक ने भी इस बिल को ध्यान से पढ़ा और मालिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने मैनेजर को कहा कि ये लो 1,00,000 रुपए और उस व्यक्ति को देकर आओ और उसे वहां से उठाओ और हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग दे दो क्योंकि अब वो यहीं काम करेगा। अब आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि उस बिल में ऐसा लिखा क्या था कि उस व्यक्ति को 1,00,000 रुपए मिल गए और उसे उसकी कंपनी में ज्वाइनिंग भी दे दी गई। अब ध्यान से सुनिएगा, उस बिल में लिखा था कि 20 रुपए हथौड़ी मारने के, ध्यान से सुनिएगा, हथौड़ी मारने के 20 रुपए और हथौड़ी कहां पर मारना है इस बात के 99,980 रुपए। हथौड़ी कोई भी मार सकता था, उस बात के 20 रुपए लिए गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये हथौड़ी मारना कहां है और उसी बात के 99,980 रुपए लिए गए। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्सपीरियंस। यदि आपके पास डिग्रियां बहुत सारी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो उन डिग्रियों का, उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बहुत समय से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वाकई में आपकी जिंदगी आप संवार सकते हैं।